ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ किसान ਵੀਰੋ बाबा जरनैल सिंह का इतिहास पढ़ के देखो। उन्होंने साध संगत जी उत्तों जिहड़ी गल कही आ वो अज साडे किसानां वास्ते 40 साल पहला कह दिता कि साडे किसानां नूं की चाहीदा। जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। वो काज किहड़े हन? तुहाडीआं मंगां के साडीआं जिनसां दे भाव असीं बन्नीए। खुदा तुमको नहीं कहते मगर शाने खुदा तुम हो। आओ सब तो पहला उस मर्द अगंबड़े बह प्रगटिओ मर्द अगंबड़ा बरे आम अकेला। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे प्रकाश गुरपुरब उपर देश विदेश दीआं संगतां नूं जिथे दास वलों लख लख बधाई होवे। आओ उस कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की खुशी लैण वास्ते तखत श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर नूं याद करते हुए नमस्कार करिए। बुलाओ फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी दास तो पहला श्री अकाल तख्त साहब दे साबका जहदार सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां दे भतीजे ते दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां दे विद्यार्थी जिन्हां दे कोलों तुसीं कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा प्रकाश दिन तो लै के आनंदपुर साहब की धरती के उपर पंथ खालसे की सिरजना ते जो सिखां दा इतिहास कि साडे कोल जिथे उनी अरदास की गल कीती दास ने कोई समा बहुता नहीं लेना 2-4 मिनट विच सारी समाप्ति कर देनी है। उन्होंने उत्थे अरदास बारे भी सिंह साहब ने संगतां नूं बेनती कीती। साध संगत जी कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जिस वेले पंथ की सिरजना की अकाल पुरख के चरना अरदास की दोए कर जोर करो अरदास तुद भावे ता आने रास। ओ अरदास जिहड़ी धन श्री गुरु नानक देव साहब तो लैके सतगुर नानक प्रगटिया मिटे धुंद जग चानन होआ दी गल नूं लैके जिथे जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। ये सारा इतिहास तुसीं सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी जो दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां दे भतीजे हन उन्हां दी रसना तो सरबण कीता ते कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अरदास कीती। थाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याये पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाये। अरदास करके कहा कि हे सच्चे पातशाह काल पुरख वाहे गुरु अंतरजामी मैं तेरे चरनां च अरदास करदा ते अरदास करदा कि ये जिहड़े खालसे दी मैं सिरजना करन लगा ये खालसा भी वाहे गुरु दा ते फतेह भी वाहे गुरु दी। ओही अरदास दमदमी टकसाल दे पहले मुखी अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने कीती कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह मैं तेरी पवित्रता वास्ते सचखंड हरमंदर साहब नूं याद करवाण वास्ते तुरिया ते अरदास कीती ते नाल कहा कि गुरु जी कृपा करो मैं अपना शीश सचखंड श्री हरमंदर साहब गुरु रामदास के चरणों ते निछावर कर दें। साध संगत जी सिंह साहब ने कहा जो गुरु नानक साहब दे अज संसार का कोई विद्वान होवे, कोई फिलोसफर होवे, कोई प्रोफेसर होवे, साध संगत जी जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। इस पंक्ति दे अर्थ कर लेने साध संगत जी किसी दे बस की गल नहीं। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक जिन्नी बाणी लिखी साध संगत जी सब का प्रैक्टिकल अर्थ करके दिखा लिया। इस पंक्ति दे अर्थ साध संगत जी पंजवें पातशाह ने तत्ती तवी ते बह के तेरा कीया मीठा लागे। फिर बाबा दीप सिंह ने अंबरसर दीयां गलियां दे विच खब्बे हथ ते अपना शीस रख के ते सज्जे हथ दे नाल 18 शेर दा खंडा लैके लकीर खिच दित्ती ते साध संगत जी हरमंदर साहब पहुंच के नमस्कार करके गुरु रामदास साहब दे चरनां दे विच अरदास करके अरदास पूरी कीती। मैं एक बेनती खीर च करके समाप्ति करनी। दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिया ने 1982 दे विच श्री अकाल तख्त साहब ते अरदास कीती कि धन सतगुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक 5 प्याले 5 पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलटकै मूरत हरगोबिंद सवारी चले पेड़े सोढ़िया न रूप दिखावन बारो बारे दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परवकारी बंदी छोड़ गुरु रामदास सच्चे पातशाह। मैं तेरे चरणों च दमदमी टकसाल का सेवादार होने के नां ते अरदास करदा कि धर्म युद्ध मोर्चे की आरंभता करन लगा ते कृपा करी मैनू सफल करी। जे ये मोर्चा मैं अपने परिवार वास्ते अपनी शोहरत वास्ते फिर मैनू असफल करी ते जे ये मोर्चा मैं किसान भरावां वास्ते किसानां दे जमीनां दे पानी वास्ते गुरु रामदास साहब जी तेरे सत्कार वास्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब अंमृतसर दी धरती नूं पवित्र करार देण वास्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब तो सीधा कीर्तन प्रसारण करने वास्ते सिख कौम की अणख खातर गैरत वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी आपदे सत्कार वास्ते लाण लगा ते मैनू सफल करी। उस मोर्चे की करके अरदास साध संगत जी जेड़ा अज किसान भरा ये दिल्ली दे सिंघू बाडर कुंडली बाडर दे उपर जां दिल्ली दे 4 छुपेरे किसान बैठा भरावो थोड़े वास्ते बाबा जरनैल सिंह खालसा ने अकाल तख्त साहब ते अरदास कीती सी कि साडी कणक दा मुल साडे झोने दा मुल असी स्टेटां वाले पंजाब वाले आप बनांगे असी कणक किन्ने रेट दे विच बेचणी। मैं बहुता कुछ ना कहंदा होया इह गल कहणी चाहुंदा देर आए दुरुस्त आए। किसान वीरों भावें साडी अज मीटिंग केंद्र सरकार नाल चल रही आ, मैं अपना एक छोटा जिहा सुझाव पढ़िया लिखिया वाला देना चाहना कि माइया बीबिया नूं बहुत चंगी तरह पता है जिस वेले दुध साध संगत जी माइया बीबिया रात नूं जमाउंदियां वो साध संगत जी हथ ला के देखदियां गर्मियां कि ठंडा है, फिर वो मौसम देखदियां कि मौसम किहड़ा है, फिर वो दही साध संगत जी सही तरीके नाल जम जांदा। अज साडा दही जम्मिया होया है, फिर सवेर नूं मतावां देखदियां कि साडा परिवार किड्डा है, साडे परिवार दे विच किन्ने जी हन, एक एक करछी दही दी सारे परिवार नूं आजूगी उन्ना क दही कढ के पासे रख लैंदियां। फिर साध संगत जी तत्ता ठंडा पानी लोड़ अनुसार पा के उस दही नूं रिड़किया जांदा, फिर ओहदी मखणी कढी जांदी है। मैं भराओ वीरो थानू हथ जोड़ के किसान भरावां नू बेनती करनी चाहना जिस कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ, उहदे सत्कारयोग पिता धन सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणा च आपां बैठे हाँ। भै काहू को देत नह नह भै मानत आना। सानू डरना नहीं चाहिए। सानू 31 मैंबरी कमेटी नू जां देश भर दीआं कमेटियां नू कट्ठे होके बैठ के दही नू चंगी तरह रिड़कना चाहिए है। ते जिन्हें दही की लोड़ सानू ना दही कढ़ के पासे रख लो। ते जेड़ी लस्सी आ लस्सी पासे कर दिओ ते मखनी अपने किसान वीरो पंजाब की धरती ते ले जाओ। भावें हरियाणे के किसान होण भावें देश के किसी किसान होण। इहदे बारे साध संगत जी करना की पऊगा। सिंह साहब जी इथों कह के गए हैं, कहो नानक जिस महतक लेख लिखाए। साध संगत जी पंजवें पातशाह गोली महला पंजवा। साध संगत जी मैं बेनती करनी चाहना। वो बेनती की है, खावे खर्चे रल मिल भाई तोट ना आवे वाधो जाई। उन्होंने बधाण वास्ते उन्होंने बाणी दियां पंक्तियां भी पढ़ियां कि कहो नानक जिस महतक लेख लिखाए खजाने दे नाल जुड़ जाओ। वो खजाना की है, इहो धन खुट नान खुटै ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। अज मेरे किसान भरा उन्हां दे मनां विच तोहरा है कि जे मैं आ गल कर दित्ती किते लोकी मेरे दुआले ना हो जाण। वो साध संगत जी किसान वीरो बाबा जरनैल सिंह दा इतिहास पढ़ के देखो। उन्होंने साध संगत जी उत्थों जेड़ी गल कही आ वो अज साडे किसानां वास्ते 40 साल पहला कह दिता कि साडे किसानां नूं की चाहीदा। तुसीं अपने बजुर्गां कोलों अपने भरावां कोलों अपणियां मावां कोलों अपणियां भैणां कोलों सलाह लओ सानूं की करना चाहीदा। वो 31 मैंबरी कमेटी विच बैठ के दही नूं चंगी तरह रिड़क के लस्सी पासे कर दिओ। फिर आ किसान भरावां नूं साडीआं भैणां नूं बजुर्गां नूं देश विदेश दे किसानां नूं समझाओ सानूं आ फायदा होएगा ते आ नुकसान होएगा। ते जे असीं साध संगत जी दही नूं समय सिर जाग ना लाया ते ओ दही कढ के जिन्ना सानूं लोड़ आ उन्हों पासे ना रखिया साडे बच्चे भी भुखे मरनगे ते साडी नरादरी भी होवेगी। आपां दही जिन्ना लोड़िया नूं कढ लईए ते लस्सी पासे करके फेंक दईए ते मखणी किसान भरावो अपनियां जेबां च पा के अपने दिमाग विच पा के उस मखणी नूं पंजाब दी धरती ते लिजाणा। इह पंजाब तो ही काम शुरू होया। मैं अखीर विच हुण बेनती करके समाप्ति करन लगा। साध संगत जी किसी विद्वान ने लिखिया, खुदा तुमको नहीं कहते मगर शाने खुदा तुम हो। जिस दमदमी टकसाल दी मर्यादा बारे सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे थानू दस के गए हैं ना कि अज 4:30 बजे जड़ी दमदमी टकसाल दी मर्यादा कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने चलाई सी अर्थ पढ़न दी बाणी पढ़न दी। वो 4:30 बजे अज उत्थे जो KFC के सामने सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे एंटन पंथक दल के सरप्रस्त उत्थे अज वो जिन्हां ने साध संगत जी 5 बाणियां का नितने सीखना सुखनी साहब का नितने सीखना उन्होंने टाइम बंद दिता कि 11 बजे तो लैके 12:30 बजे तक 1.5 घंटा सवेर नूं क्लास लगूगी ते शाम नूं 3 बजे तो लैके 4:30 बजे तक साध संगत जी 1.5 घंटा शाम नूं क्लास लगूगी। उस क्लास विच करना की है, जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। वो काज किहड़े हन? तुहाडीआं मंगां के साडीआं जिनसां दे भाव असीं बन्नीए। ते महाराज कहते एक अद्धी गल करदा किसाना। महाराज कहते विघन विनाशण सब दुख नासण। इस वेले सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भए सब पावन जन नानक सुख कराया। ये तो मंगां ओह हन जिहदियां तुसीं अरदासां करके पंजाब की धरती तो तुरे हां। गुरु साहब जी अगे कहते अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन बसिया सब काज सवारनहारा। किसान भरावो थोड़ी जित यकीनी है, इस कोई शक नहीं, पर आपां नूं बाणी पढ़नी चाहीदी है। इस करके सारे बाणी पढ़ो, सिमरन करो। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालियां दे बचन, जे किसी ने बंद बंद कटाया ते बाणी पढ़न वाले ने कटाया, जे किसी ने हाथी का मुकाबला किया ते बाणी पढ़न वाले ने किया, जे बिना धड़ते सीस तो लड़िया ते बाणी पढ़न वाला लड़िया। ते आपां नूं भी बाणी पढ़नी चाहिए, सतगुरू कोलों मंगना ही ये चाहिदा। मांगण मांग ता एक है मांग, ना कहो नानक, कहो नानक जाके परै पराग। साध संगत जी, गुरु नानक को यही गल मंगो कि मैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। जिस वेले असी नाम की दात मंगांगे, उस वेले तुहाड़ियां सारियां मंगां किसानां दियां पई जीत मेरी कृपा काल केरी। बाबा जरनैल सिंह खालसा नूं असी रब नहीं मनदे, पर बाबा जरनैल सिंह खालसा की जिहड़ी कहनी सी, उठनी सी, बहनी सी, बाणी पानी सी, लोकां नूं संदेश दिंदे सन, वो रब वर्गा सी। खुदा तुमको नहीं कहते मगर शाने खुदा तुम हो। किसान वीरो, गुरु तेग बहादुर साहब जी कृपा करन, तुसी मोर्चे चो सफल हो के इस इत्थों दिल्ली तो अपने घरां विच जाओ, पर हौसला रखियो, एका रखियो, सबर रखियो, समा अजे लगना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।